हेलो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद द नेटवर्क टेक्निक्स। ओके, यूनिट नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। तो हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी। ओके, द नेक्स्ट वन इज इवेंट। द बिगिनिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एन इवेंट। दैट मीन्स इवेंट, दैट मीन्स दिस और दिस, जो भी सर्कल में दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड इवेंट, एंड एरो के फॉर्म में जो भी दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। एंड इवेंट इज दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लान इज टू बी कंप्लीटेड। इवेंट क्या है? एंड इवेंट इज दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लान इज टू बी कंप्लीटेड। इट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज बाय इटसेल्फ। दैट मीन्स इवेंट है वो इवेंट, दो इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी कम्प्लीट करने के लिए दो या तीन इवेंट है, ओके, तो ही एक्टिविटी कम्प्लीट होती है। तो उसमें टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। ओके, एंड इन फिगर 3.7 द इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। द नेटवर्क नंबर ऑफ एन इवेंट इज रिटर्न इन साइड द सर्कल। दैट मीन्स जो भी इवेंट है उसको सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। द नंबर ऑफ एन इवेंट इज रिटर्न इन साइड द सर्कल। दैट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट जो भी है वो सर्कल में दिखाया गया है। द नेक्स्ट वन इज टेल इवेंट। एन इवेंट विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड ए टेल इवेंट। दैट मीन्स जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है, दिस फर्स्ट इवेंट से एक्टिविटी जो भी स्टार्ट होती है, ओके, जिस इवेंट से एक्टिविटी स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड टेल इवेंट। ओके, एंड ए टेल इवेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज नोन एज एन इनिशियल इवेंट। उसको इनिशियल इवेंट भी बोल सकते। ओके, यहाँ पे टेल और हेड इवेंट दिया है। स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड टेल इवेंट, एंड फिनिशिंग ऑफ दैट एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड हेड इवेंट। इन फिगर द इवेंट ओ इज टेल इवेंट। ओके, टू एक्टिविटी पी। ओके, हियर इन फिगर इवेंट वन, जो भी इवेंट वन है दैट इज कॉल्ड टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी पी। एंड क्यू आर एस की टेल इवेंट कौन सी होगी? टू होगी। सिमिलरली इवेंट टू इज टेल इवेंट, टू एक्टिविटी क्यू आर एस एज इट इज द बिगिनिंग ऑफ द और स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट वन इज हेड इवेंट्स। हेड इवेंट्स दैट मीन्स वॉट? एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्टिविटी होते हैं दैट इज कॉल्ड हेड इवेंट्स। एंड इवेंट विच मार्क्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड हेड इवेंट। हेड इवेंट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज नोन एज द फाइनल और एंड इवेंट। इन द फिगर 3.A द हेड इवेंट टू एक्टिविटी पी इज टू। इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन और एंड ऑफ एन एक्टिविटी पी। दैट मीन्स जो भी पी है, पी एक्टिविटी की हेड इवेंट कौन सी है? टू। और क्यू आर एस एक्टिविटी की जो भी 3, 4, 5 जो भी है दैट इज द हेड इवेंट ऑफ एक्टिविटी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। ड्यूल रोल इवेंट्स, एंड इवेंट विच एक्ट एज ए टेल इवेंट फॉर सम एक्टिविटी एंड एज द हेड इवेंट फॉर सम अनदर एक्टिविटी और एक्टिविटीज, इट इज कॉल्ड अ ड्यूल रोल इवेंट। दैट मीन्स एक एक्टिविटी के लिए वो हेड इवेंट होती है और दूसरी एक्टिविटी के लिए वो टेल इवेंट होती है। एक ही जो भी इवेंट है वो एक एक्टिविटी के लिए हेड इवेंट और दूसरी एक्टिविटी के लिए टेल इवेंट होती है, तो उसको ड्यूल रोल इवेंट बोलते हैं। इन फिगर 3.A इवेंट 2 इज हेड इवेंट फॉर एक्टिविटी पी, बट इट इज साइमल्टेनियसली द टेल इवेंट फॉर द एक्टिविटी क्यू आर एस, सो इवेंट 2 इज फॉर द ड्यूल रोल इवेंट। तो इस फिगर में आप देख सकते हो, तो एक्टिविटी पी की हेड इवेंट कौन सी है? 2 है। और उसी तरह से
एक्टिविटी QRS की टेल इवेंट कौन सी है, टू है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूल रोल इवेंट। देन बर्स्ट एंड मर्ज इवेंट, इन एरो डायग्राम देर आर सम नोड्स और इवेंट्स टू विच ए नंबर ऑफ द एक्टिविटीज मीटिंग एंड देर मे बी अदर नोड्स और इवेंट्स फ्रॉम विच ए नंबर ऑफ द एक्टिविटीज मे गोइंग आउट। ओके, कई इवेंट जो होती है उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज मर्ज होती है, और कई एक्टिविटी है जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटी बाहर निकलती है। ओके, द नोड्स और इवेंट टू विद द नंबर ऑफ द एक्टिविटीज मीटिंग आर कॉल्ड द मर्ज नोड्स और मर्ज इवेंट, एंड द नोड्स और द इवेंट्स फ्रॉम विच ए नंबर ऑफ द एक्टिविटीज कमिंग आउट आर कॉल्ड द बर्स्ट इवेंट्स और बर्स्ट नोड्स। ओके, इन फिगर 3.9A द एक्टिविटीज ए बी सी आर मीटिंग टू इवेंट ए। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ए बी सी इज मीटिंग एट पॉइंट ए, तो दैट इज कॉल्ड मर्ज इवेंट। और यहाँ पे क्या है, जो भी इवेंट वन है उसमें से एक्टिविटीज निकल रही है, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट इवेंट। सक्सेसर इवेंट्स, द इवेंट्स विच फॉलोज द अनदर इवेंट आर कॉल्ड द सक्सेसर इवेंट्स टू दैट इवेंट। हियर इन फिगर 3.8 इवेंट टू इज सक्सेसर इवेंट टू इवेंट वन। सक्सेसर इवेंट ऑफ टू कौन सी है, वन। उसी तरह से सक्सेसर इवेंट ऑफ थ्री फोर फाइव कौन सी है, टू है। देन प्रिसीडर्स इवेंट, द इवेंट और इवेंट्स विच अकर बिफोर द अनदर इवेंट आर कॉल्ड द प्रिसीडर्स इवेंट्स टू दैट इवेंट। हियर इवेंट वन इज प्रिसीडर्स इवेंट टू इवेंट टू, सिमिलरली इवेंट इज द प्रिसीडर्स इवेंट्स टू इवेंट्स थ्री फोर फाइव। तो 3.8 में प्रिसीडर्स इवेंट यानी पहले की जो भी एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड प्रिसीडर्स इवेंट। टू की प्रिसीडेंस इवेंट्स कौन सी है, वन है, और थ्री फोर फाइव की प्रिसीडर्स इवेंट्स कौन सी है, टू है। देन नेक्स्ट नेटवर्क रूल्स, द वेरियस रूल्स आर फॉलोड फॉर द ड्रॉइंग ए नेटवर्क सच एज ए नेटवर्क विल हैव वन इनिशियल नोड, इनिशियल नोड विल हैव ओनली आउटगोइंग एरोस। तो जो भी आपका नेटवर्क है उसमें एक इनिशियल नोड होता है, उसमें से एक आउटगोइंग एरो निकलता है। ओके, एंड ए नेटवर्क विल हैव ओनली वन फाइनल नोड, जो भी नेटवर्क है उसमें एक ही फाइनल नोड होना चाहिए। देर मे नॉट बी टू फाइनल नोड्स, दैट मीन्स टू फाइनल नोड्स नहीं होना चाहिए, एक ही फाइनल नोड, इनिशियल नोड और फाइनल फाइनल नोड एक ही होना चाहिए। देन फाइनल नोड विल हैव ओनली इनकमिंग एरोज, जो भी फाइनल नोड है उसमें इनकमिंग एरोज ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल नोड वन है और फाइनल नोड अगेन नंबर वन है, दैट मीन्स एक एक ही नोड है और उसमें सभी जो भी एरोज है वो इनकमिंग एरोज है। एंड एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट हैज अकर्ड, दैट मीन्स कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती है बिकॉज जब तक आपका टेल इवेंट नहीं होगा तब तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। टेल इवेंट होने के बाद ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी और अकर होगी। ओके, देन एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, एक ही इवेंट है वो बारी बारी आप यूज नहीं कर सकते, एक ही वो बारी बारी वो जो भी इवेंट है कैन नॉट अकर ट्वाइस, दो बार वो इवेंट नहीं हो सकती है। हैंस नेटवर्क लूपिंग इज नॉट परमिटेड, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, वन में से टू, टू में से थ्री, थ्री में से फोर और फोर में से अगेन वन, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट मीन्स एक ही एक्टिविटी बारी बारी नहीं हो सकती है। ओके, उस वो एक ही एक्टिविटी दो बार नहीं हो सकती है। ओके, वो नेटवर्क रूल्स में आता है। देन इन इट इवेंट कैन नॉट अकर अंटिल ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड, इवेंट कैन नॉट अकर अंटिल,
ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड. जब कब तक इवेंट नहीं अकर होती, जब तक जब भी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती तब तक वो इवेंट होती नहीं है. फॉर एग्जांपल ये इवेंट है तो यहाँ से एक्टिविटी कंप्लीट हुई तो तभी दूसरी इवेंट आपको मिली. अगेन ये इवेंट वन है तो उसमें से कोई एक्टिविटी हुई तो ही आपको दूसरी इवेंट मिली. ओके, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क रूल्स. एनी एरो शुड रिप्रेजेंट ए सिंगुलर सिचुएशन. इंडिविजुअली एंड सेपरेट एंटिटी ऑफ ईच एक्टिविटी शुड बी मेंटेन. ओके, द नेटवर्क शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड टू रीच द एंड ऑब्जेक्टिव. नेटवर्क इस तरह से होना चाहिए जिससे आपकी जो भी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट हो. ओके, और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है कि इतने टाइम में और इतने कॉस्ट में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, तो वो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए. ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरडिपेंडेंसीज शुड बी शोन प्रॉपरली ऑन द नेटवर्क बाय यूजिंग डमीज. द नेटवर्क लॉजिक शुड ऑलवेज टू बी मेंटेन. द टाइम फ्लो इज यूजली शोन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स जो भी नेटवर्क है आपको कहाँ से ड्रॉ करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट में लेफ्ट से स्टार्ट होते हुए राइट में लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट आपको जो भी नेटवर्क है वो ड्रॉ करना है. ओके, देन फुलकेरसन्स रूल फॉर द नंबरिंग द इवेंट्स. In the formation of the network diagram, it is necessary to give the number to the events or nodes. Okay, the numbering to the events should be done. The logical sequence is maintained carefully so that the Fulkerson's rules helps us in numbering the events in the following steps. Okay, there is a single initial event. That is a single initial event in a network diagram. This initial event will have arrow emerging out or coming out of it. That means एक initial event होती है उसमें से arrow निकलता है. Number this event initial event as one. तो आपको क्या करना है, वो initial event को क्या कौन सा number देना है, number one देना है. Neglect all the arrows emerging out of initial event number zero. दैट मीन्स जो भी इवेंट है उसमें इनिशियल नंबर जीरो है तो उसको निग्लेक्ट करना है. इट विल अपरेंटली प्रोवाइड वन और मोर न्यू इनिशियल इवेंट्स. नंबर दिस अपरेंटली प्रोड्यूस न्यू इनिशियल इवेंट एज 2, 3, 4. आपको जो भी नंबर वन में से इवेंट्स निकल रही है उसको 2, 3, 4 में नंबर देना है. दैट मीन्स एरो जो भी निकल रहा है और एक्टिविटी खत्म होती है तो जो भी न्यू इनिशियल इवेंट्स है उसको नंबर 2, 3, 4 देना है. ओके, अगेन निग्लेक्ट ऑल द इमर्जिंग आउट एरोस फ्रॉम दिस नंबर्स इवेंट्स. दिस विल क्रिएट फ्यू मोर इनिशियल इवेंट्स. तब तक क्या करना है, अगेन ऑल इमर्जिंग आउट एरोस फ्रॉम दिस नंबर्ड इवेंट. दिस विल क्रिएट ए फ्यू मोर इनिशियल इवेंट्स. Follow the step 3, continue this operation until the last event is reached and the numbers which have no emerging out arrows. तब तो क्या आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो भी इनिशियल इवेंट है, ओके, फर्स्ट इवेंट जो भी टेल इवेंट है उसको नंबर वन देना है. उसमें से सभी एक्टिविटीज निकलेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो भी एक्टिविटी निकलती है और उसमें से जो भी इवेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड हेड इवेंट. ओके, हेड इवेंट को क्या नंबर देना है, 2, 3, 4 देना है. अगेन आपको क्या करना है, वो 2, 3, 4 में से अगेन वापस निग्लेक्ट ऑल द इमर्जिंग आउट एरोस फ्रॉम दिस नंबर्ड इवेंट. तो आपको अगेन निग्लेक्ट ऑल दिस इमर्जिंग आउट एरोस फ्रॉम दिस नंबर्ड इवेंट्स. दिस विल क्रिएट फ्यू मोर इनिशियल इवेंट्स. तब तो क्या करना है, तो आपको अगेन 2, 3, 4 में से जो भी नंबर दिस सेपरेटली प्रोड्यूस न्यू इवेंट इनिशियल इवेंट्स दैट इज 2, 3, 4. तो
जो भी टू थ्री फोर है, ओके, प्रोड्यूस न्यू इनिशियल इवेंट्स टू थ्री फोर, देन अगेन निगलेक्ट ऑल द इमर्जिंग आउट एरोस फ्रॉम दिस नंबर्ड इवेंट. तो आपको क्या करना है, जो भी अगेन निगलेक्ट ऑल द इमर्जिंग आउट एरोस फ्रॉम दिस नंबर्ड इवेंट जो भी है, उसमें से जो भी इमर्जिंग आउट एरोस निकल रहा है उसको निगलेक्ट करना है. ओके, फॉलो द स्टेप, कंटिन्यू दिस ऑपरेशन अंटिल द लास्ट इवेंट इज रिच एंड नंबर एंड विच हैज नो इमर्जिंग आउट एरोस. ओके, तो आपको क्या है, जो भी इमर्जिंग आउट एरोज है उसको निग्लेक्ट करना है, बिकॉज वो अगेन इनिशियल इवेंट बनता जाएगा. इनिशियल इवेंट बनता जाएगा तो अगेन वापस जो जो भी इवेंट्स मिलेगी उस वो इन्हें यानी उसका कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए. ऐसा नहीं, एक एक्टिविटी है, एक इवेंट है, उसमें से तीन चार एक्टिविटीज होती है, अगेन वो तीन चार एक्टिविटीज में वापस तीन चार एक्टिविटीज होती है, पर आपको क्या है, प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोजेक्ट वर्क में मुझे इतने इतने प्रोसीजर्स करना है, तो प्रोसीजर्स के लिए हम ये एक्टिविटीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी में वापिस तीन चार एक्टिविटी है, वो तीन चार एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी अगेन तीन चार एक्टिविटी है, तो वो तो नेटवर्क बढ़ता ही जाएगा, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. इसलिए आपको क्या करना है, जो भी इनिशियल टेल इवेंट में से जो भी इमर्जिंग एरो निकल रहे हैं, तो अगेन उसमें से वापस तीन चार ऐसा क्या बोलते हैं एरोज, इमर्जिंग एरो जो भी निकल रहा है उसको निगलेक्ट करना है, जिससे आपका प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको मिले. ओके, नेटवर्क एनालिसिस. दिस मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्टिविटीज, दैट ड्यूरेशन एंड इंटर रिलेशनशिप. द मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, तो आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज का आइडेंटिफिकेशन करना है, देन द ड्यूरेशन एंड द इंटर रिलेशनशिप्स. तो उसमें ये नेटवर्क एनालिसिस यूज होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन जनरल यूज, एक्टिविटी ऑन एरो टाइप कॉमनली कॉल्ड द एरो डायग्रामिंग, एंड एक्टिविटी ऑन नोड टाइप दैट इज कॉमनली कॉल्ड द प्रेसिडेंस डायग्रामिंग. बोथ द टाइप्स आर जनरली टर्म एज क्रिटिकल पाथ मेथड. ओके, यूजेस द सेम इंफॉर्मेशन इन ए स्लाइटली डिफरेंट वे. दोनों मेथड किसकी है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड की दो मेथड्स रहते हैं. एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, इन दिस सिस्टम एन एक्टिविटी इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी इज रिटन अबाउट द एरो और इट इज डेजिग्नेटेड एज एक्टिविटी ए बी सी डी एक्सेट्रा. द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी इज रिटन बिलो इट एंड द लेंथ टू द एरो हैज नो सिग्निफिकेंस. इट मेनली इंडिकेट्स द पैसेज ऑफ द टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो अहेड. एंड इवेंट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय नंबर एंड क्लोज इन ए सर्कल. तो आपको इवेंट किस में दिखाना है, सर्कल में दिखाना है. दूसरा, जो भी आपके पास एरो है उसके ऊपर एक्टिविटी दिखानी है, दैट इज ए बी सी, उसके नीचे ड्यूरेशन दिखाना है. ओके, जो भी एरो का लेंथ है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज मार्क बाय टेल इवेंट और प्रिसीडिंग इवेंट, एंड द एंड ऑफ एंड बाय हेड इवेंट और सक्सेडिंग इवेंट. तो कोई भी एक्टिविटी है तो उसका बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज मार्क बाय टेल इवेंट, दैट मीन्स टेल इवेंट एक एक्टिविटी है का है, एक्टिविटी जो भी होती है उसे एक टेल इवेंट होता है और हेड इवेंट होता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी. उसमें बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज मार्क, जो भी एक्टिविटी है उसका बिगिनिंग टेल एंड से इंडिकेट होता है, और उसका एंडिंग जो भी है दैट इज इंडिकेटेड बाय हेड इवेंट और सक्सेडिंग इवेंट. तो यहाँ पे आपको एक एरो दिया, यहाँ पे एक नेटवर्क दिया है एरो डायग्राम. तो यहाँ पे दिस वन इज टेल इवेंट, हेड इवेंट, एक्टिविटी. अगेन ये टू है, दैट इज हेड इवेंट ऑफ क्यू.
और टेल इवेंट ऑफ पी दैट इज ड्यूल रोल इवेंट उसको बोल सकते हैं. उसी तरह से एरर डायग्राम है दूसरा, 1 to 2, 2 to 3 एंड 2 to 4. ये नहीं होना चाहिए, दैट इज 3. तो पी टू क्यू है तो वो क्यू में मिले वो नहीं हो सकता. उसी तरह से पी क्यू, तो पी टू आर एंड क्यू टू एस बराबर है. और दूसरा यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया है कि भाई आपको 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ऐसा चार एक्टिविटी दिया है. तो आपको ए में क्या है, बी में क्या है, सी फिगर में क्या है, डी फिगर में क्या है और ई फिगर में क्या इंडिकेट किया है वो हम आगे देखते हैं. फिगर 3.3 1 3 A to 3.1 3 E शोज द टिपिकल डायग्राम ऑफ दिस टाइप. फिगर ए शोज दैट पी मस्ट प्रिसेड्स क्यू एंड क्यू मस्ट प्रिसेड्स आर. द एक्टिविटी जो भी आपकी फिगर है ए तो उसमें क्या इंडिकेट किया है, तो एक्टिविटी टू इज प्रिसेड्स एक्टिविटी टू की प्रेसिडेंस एक्टिविटी कौन सी है, वन है. एंड क्यू की प्रेसिडेंस एक्टिविटी कौन सी है, पी है. और सक्सेडिंग एक्टिविटी कौन सी है, आर है. द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी शोज दैट पी मस्ट प्रेसिड्स क्यू और क्यू मस्ट प्रेसिड्स आर. फिगर शोज दैट पी मस्ट प्रिसेड्स बोथ क्यू एंड आर. फिगर शोज दैट पी मस्ट प्रिसेड्स क्यू एंड आर. और आर की प्रेसिडेंस एक्टिविटी कौन सी है, पी है. देन फिगर 3.13 सी शोज दैट पी एंड क्यू मस्ट प्रिसेड आर. थ्री पॉइंट वन थ्री सी पी एन क्यू मस्ट प्रिसीड आर. पी एन क्यू मस्ट प्रिसीड आर दैट मीन्स आर एक्टिविटी पी और क्यू एक्टिविटी होने के बाद ही होती है, होगी. देन नेक्स्ट फिगर 3.13 डी शोज दैट पी मस्ट प्रिसीड आर एंड आर मस्ट प्रिसीड एस. तो फिगर 3.14 डी में पी मस्ट प्रिसीड आर और क्यू मस्ट प्रिसीड एस. पी मस्ट प्रिसीड आर, पी मस्ट प्रिसीड आर और क्यू मस्ट प्रिसीड एस. देन नेक्स्ट फिगर 3.13 ई शोज द पी मस्ट प्रिसीड आर एंड एस एंड क्यू मस्ट प्रिसीड एस. P must precede R and S and Q must precede S. इसमें यहाँ पे precedes activity that means जो भी R है must precedes P and S must precede Q. और जो भी activity S है वो S must precedes P होगा. That means P activity होने के बाद ही S होगा. और अगेन आर इज ऑल्सो द प्रिसीडर्स एक्टिविटी ऑफ पी. दैट मीन्स आर और एस की प्रिसीडर्स एक्टिविटी कौन सी है, पी है. और अगेन एस की प्रिसीडर्स एक्टिविटी कौन सी है, क्यू है. इट इज रिक्वायर्ड टू यूज अ कनेक्टिंग एरो नोन एज डमी टू शो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बिटवीन पी एंड एस. It should be noted that the dummy activities are indicated by the dotted lines and they have zero cost and zero time. Thus, the AOA diagram is required to include the dummy activities such as activities, increase the length of the tables, analyzing the graph, and take time to calculate. They also increase the complexity of the network. The AOA diagram is required to include dummy activities. AOA diagram में dummy activities include करना पड़ता है. Such activities increase the length of the table. जो भी आपका table का length है, length of जो भी table का length है वो बढ़ा देता है. Then analyze the graph and take time to calculate.
आपको क्या करना पड़ता है, एक एनलार्ज ग्राफ लेना पड़ता है और उसको उसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है। दे ऑल्सो इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेटवर्क। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क आप तो आपको हटाना है तो आपको ये मेथड यूज करना है, दैट इज ओ ए डायग्राम। ओके ओके, थैंक यू।